नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश मेहरा, राकेश मेहरा जीके क्लासेस की तरफ से कर्ण जीके की इस सीरीज में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। कर्ण जीके की इस सीरीज में आज मैं आपसे कारगिल टू कोहिमा अल्ट्रा मैराथन, एक मैराथन है, इस पर मैं चर्चा करना चाहूँगा। ये कारगिल विजय से संबंधित है, लेकिन इसके उद्देश्य वर्तमान संदर्भ में जो फिट टू इंडिया अभियान चल रहा है, पैदल के लिए सुरक्षा, उससे रिलेटेड है। ये कारगिल टू कोहिमा जो मैराथन है, ये कारगिल विजय के 20 वर्ष पूरे होने की स्मृति में आयोजित की गई है और भारतीय वायुसेना के द्वारा आयोजित की गई है। तो इसको विस्तार से पढ़ने का प्रयास करते हैं। हेडिंग डाल दीजिए, सबसे पहले तो पेज के बीच में लिखिए कारगिल विजय दिवस, ये 26 जुलाई। अब देखिए, जो कारगिल युद्ध जो माना जाता है, ये 26 जुलाई 1999 में हुआ था। तो ऑब्वियसली बात, हमारे पास एक सिस्टम तैयार हो जाता है कि 26 जुलाई 2019 को 20 वर्ष पूर्ण। तो इस उपलक्ष्य पर भारतीय वायुसेना के द्वारा किसका आयोजन किया जाएगा? भारतीय वायुसेना द्वारा आयोजन, ये किया गया है। कारगिल टू कोहिमा अल्ट्रा मैराथन, ग्लोरी रन नाम दिया गया इसको, ग्लोरी रन। इसका आयोजन किया गया भारतीय वायुसेना के द्वारा। अब देखिए, इसका प्रारंभ कब होगा, समापन कब होगा, कहां से होगा, इसे हमें जानना है। सबसे पहले तो यदि हम ये बात करें आयोजन की, आयोजन एक तो बात करूंगा मैं आयोजन की, और एक बात करूंगा मैं उद्देश्य पर्पज की बात करूंगा। यदि मैं आयोजन की बात करूं तो दो पार्ट्स में इसको बांट दीजिए, एक तो प्रारंभ कब होगा, प्रारंभ, और एक इसका समापन कब होगा। इसको ध्यान से समझना। इसका प्रारंभ होगा, हुआ है, हो गया है 21 सितंबर 2019 को। स्थान है कारगिल वार मेमोरियल द्रास, ये कारगिल में पड़ता है। आप जानते हो ये लद्दाख वाला एरिया है। समापन होगा 6 नवंबर 2019 को और ये होगा कोहिमा वार सिमेंट्री, नागालैंड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, नागालैंड में होगा। और इसके बीच की जो दूरी है, ये जो दूरी है ये है 4500 किलोमीटर, 4500 किलोमीटर की दूरी है। इसका उद्देश्य बड़ा मजेदार है।
पैदलों के लिए सुरक्षा, जो पैदल चलते हैं उनके लिए, पैदलों के लिए सुरक्षा व फिट इंडिया मूवमेंट के प्रति जागरूकता फैलाना, फिट इंडिया मूवमेंट के प्रति जागरूकता फैलाना, ये इसका उद्देश्य है। अब देखिए यहां पर आपसे क्वेश्चन किस तरीके से पुटअप होगा। फिट इंडिया मूवमेंट है, आपको बता चुका हूं, पूरे फिट इंडिया मूवमेंट के नाम से सीरीज है, आप उसको जाके वहां देखिए क्या दे रखा है। यहां मैं कुछ नहीं बताने वाला। यहां पर जो क्वेश्चन बनेगा, एक तो कारगिल टू कोहिमा अल्ट्रा मैराथन, जिसको ग्लोरी रन नाम दिया गया है, भारतीय वायुसेना के द्वारा आयोजित की जा रही है, इसमें मैराथन होगा। मैराथन जो चालू होगा कारगिल वार मेमोरियल द्रास कारगिल से, जो लद्दाख में पड़ता है, और कोहिमा वार सिमेट्री नागालैंड तक जाएगा, 6 नवंबर 2019, मतलब 21 सितंबर से लेकर 6 नवंबर तक की ये एक यात्रा है, जिसका उद्देश्य है पैदल जो चलते हैं उनके लिए सुरक्षा और फिट इंडिया मूवमेंट को बढ़ावा देना है, या उसके प्रति जागरूकता पैदा करना है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों, आज हमने कारगिल टू कोहिमा अल्ट्रा मैराथन को पढ़ा। यहाँ पर एक थोड़ा सी बात ये भी ध्यान रखना, हालांकि मैं बता चुका हूँ, वेल नोन है आपके लिए, भारतीय वायुसेना के नए अध्यक्ष बने हैं राकेश कुमार सिंह भदौरिया, ध्यान रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, भारतीय वायुसेना के नए अध्यक्ष आरकेएस भदौरिया। इसमें आपको मैंने बता दिया कि जो फिट इंडिया मूवमेंट है, इसको तो आप जो सीरीज में दे रखी है वहां से पढ़िए, वहां मैं बता चुका हूं, दोबारा रिपीट करने की जरूरत नहीं है इसको। और एक जैसे कारगिल टू कोहिमा अल्ट्रा मैराथन किसके लिए आयोजित की गई, या किसने आयोजित की, भारतीय वायुसेना के द्वारा। तो ये संक्षेप में अपनों ने एक टॉपिक को पढ़ा है, ये टॉपिक आपके एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। इन्हीं शब्दों के साथ अब आप मुझे इजाजत दीजिए, और आप मेरी इस सीरीज को, मेरे इस अभियान को जन जन तक पहुंचाइए, प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाइए। इसके लिए आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर सकते हो, ऐसी मैं आपसे उम्मीद करता हूं। नमस्कार।